नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ शैलेश एंड एनएचटीवी में। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे जो चॉक होता है, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं स्कूल और कॉलेजेस में हमारे टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर हमें कुछ सिखाते हैं तो तब वो लिखने के लिए एक चॉक का यूज़ करते हैं, उसे हम ब्लैक बोर्ड चॉक कहते हैं। तो दोस्तों आप इस ब्लैक बोर्ड चॉक का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसको शुरू कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कौन सा करना पड़ता है और दोस्तों इसका कुल लागत कितना हो सकता है, इसके लिए मशीनरी कौन सी लग सकती है, तो इन सभी बातों पर मैं आपसे इस टॉपिक पे इस वीडियो पे आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज में आज भी चॉक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों तरह तरह के स्कूल और कॉलेजेस में आज भी ब्लैक बोर्ड पर चॉक से ही लिखाई की जाती है, क्योंकि चॉक से अगर लिखाई करती है तो उस लिखाई को आसानी से साफ किया जा सकता है। इसी कारण ब्लैक बोर्ड पर चॉक का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यही एक कारण है कि ब्लैक बोर्ड चॉक का बिजनेस करके हम इसमें से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आज के अगर डेट में देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमें गांव हो या फिर सिटी हो, हर जगह पे स्कूल कॉलेज तो मिलने ही है और स्कूल कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो दोस्तों चॉक का जो यह बिजनेस है, यह एक लघु बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में आता है और जिसे आप करके आसानी से लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों अब बात करते हैं कि ब्लैक बोर्ड चॉक बनाने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों जो हम ब्लैक बोर्ड की चॉक बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल लगेगा वो कौन से लगेंगे और कौन सी आप इसमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी इस चॉक बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अगर दोस्तों इसका रेट देखा जाए तो मार्केट में यह आपको 8.5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से मिल जाता है। और दोस्तों इसको आपको चॉक बनाने के लिए इसमें ज़रूरत होती है केरोसिन की, जो कि 40 रुपये प्रति लीटर के आसपास आ जाती है। और दोस्तों पानी लगेगा और रंग की आवश्यकता होगी। तो यही है चॉक बनाने के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल। दोस्तों बात करते हैं कि यह ब्लैक बोर्ड के चॉक बनाने के लिए आपको लगने वाले मशीनरी के बारे में। तो दोस्तों यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मशीन की सहायता से नहीं करना चाहते तो इसे आप एक साँचे आते हैं जो आप ब्लैक बोर्ड के चॉक बनाना चाहते हैं, उसी तरह के जो साँचे आते हैं उसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे बड़े पैमाने पर अगर करना चाहते हैं तो अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से यह चॉक बन जाते हैं। और दोस्तों अगर आप छोटे स्मॉल लेवल पर अगर यह बिजनेस करना चाहते हैं तो आप साँचे का यूज़ करके आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं इस मशीन के प्राइस के बारे में। अगर दोस्तों आप मशीन से यह बिजनेस करना चाहते हैं तो यह मशीन आपको आ जाती है 70,000 रुपये के आसपास में। और दोस्तों और अच्छी कैपेसिटी और हाई क्वालिटी की अगर आप लेना चाहते हो तो 70,000 रुपये के ऊपर भी यह मशीन आ सकती है। और दोस्तों अगर आप छोटे लेवल पर यह बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके अगर साँचे को देखा जाए तो यह 2,500 रुपये के आसपास में हो जाता है और आप आसानी से बगैर मशीन के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो यह मशीन आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। और दोस्तों मैं आपको अभी बात करते वक्त भी आपको बताता हूँ, आप इंडिया मार्ट से और अलीबाबा से आसानी से यह मशीन देख सकते हैं और आपको जो सूटेबल लगती है उसे आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप चॉक बनाने की प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह चॉक बनाने की प्रोसेस जो है वो दो टाइप की होती है, जैसा कि एक साँचे का यूज़ करके और दूसरा मशीनरी का यूज़ करके। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आप साँचे का यूज़ करके किस तरह से चॉक बना सकते हैं। दोस्तों जब भी आप साँचे की सहायता से चॉक बनाने की प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोलने की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों आपको यह करना होता है कि आप जिस भी सांचे में चौक बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं उस सांचे में आपको केरोसिन या फिर कोई भी ऑयल को उस सांचे के अंदर में लगा लेना होता है, ताकि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें डालें तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस उस सांचे में चिपक ना जाए। दोस्तों इसके बाद आपको एक मग में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने घोल बनाया है उसको एक मग में लेने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद उस घोल को आप जो जिस सांचे में केरोसिन और ऑयल लगा के रखे हैं उसमें एक ब्रश की सहायता से उस घोल को डालना होता है। और दोस्तों केरोसिन ऑयल जब आप लगाते हैं तो इसे आप निकालने में भी आसानी होती है। दोस्तों सांचे में घोल डालने एक पेंटिंग ब्रश की सहायता से घोल डालने के बाद में आपको इसे 20 मिनट तक छोड़ देना होता है। दोस्तों अगर सामने बात करें तो दोस्तों अगर आप इसी चौक को अगर कलर वाली चौक बनाना चाहते हैं तो इसी घोल में आपको एक जो भी आप जिस भी कलर की चौक बनाना चाहते हो वह कलर इस घोल में आपको डाल देना होता है, और उसके बाद में जो यह प्रोसेस है वो करनी होती है, आपकी चौक कलर वाली रेडी हो जाएगी। दोस्तों अगर देखा जाए तो एक बार में आप इतने चौक बना सकते हैं जितना आपके पास सांचे है, और उस सांचे का जो आकार है उस पर यह चौक बनने की प्रक्रिया डिपेंड करती है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 मिनट में आसानी से 200 से 300 चौक बन के रेडी हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको इस चौक को सांचे से निकाल लेना होता है और इसको धूप में सुखाने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जब धूप में यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसके बाद आपके जो चौक है वो पैकिंग के लिए तैयार है। दोस्तों यह प्रोसेस करते समय एक ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आप जब भी चौक बनाने की प्रोसेस करते हो तो उसके लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप यूज़ करते हो तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अच्छे क्वालिटी का प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए, नहीं तो अथवा यह जो चौक है वो टूट जाने की संभावनाएं होती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप 100 चौक अगर बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग प्लास्टर ऑफ पेरिस 200 ग्राम प्लास्टर ऑफ पेरिस की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मशीन की सहायता से किस तरह से चौक बना सकते हैं। तो दोस्तों मशीन की सहायता से भी अगर आप चौक बनाना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस उसी तरह है, सिर्फ बात इतनी है कि अगर आप मशीन की सहायता से करते हैं तो यह बहुत जल्दी होता है और इसके लिए आपको ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है और यह आसानी से चौक जल्दी बन जाते हैं। तो अगर मशीन की सहायता से अगर आप चौक बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा संख्या में आपको चौक बन के रेडी मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए अगर आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सांचे को और सभी रॉ मटेरियल को पकड़कर लगभग आपका बिजनेस 10,000 रुपये में स्टार्ट हो सकता है। और दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर मेरा कहने का मतलब अगर आप मशीनरी की सहायता से अगर करना चाहते हैं तो यह करीब आपको 1 लाख रुपये का खर्चा आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी जगह लग सकती है। तो अगर दोस्तों आप सांचे की मदद से कर सकते हैं तो आपके घर में जो भी खुली जगह है जहाँ पर आप इसका सब कुछ रख सकते हैं वहाँ से इसे आसानी से आप घर से ही जहाँ भी आपकी जगह की अरेंजमेंट होती है वहाँ से आप सांचे का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मशीन से करना चाहते हैं तो मशीन का जो आकार है उस पर यह जगह डिपेंड करता है। और दोस्तों देखा जाए तो आपको लगभग 200 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने से आपको कितना मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस बिजनेस से यह बिजनेस पूरी तरह से मार्केटिंग पर भी डिपेंड होता है कि आप इस बिजनेस के लिए किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, कहाँ से आप और क्लाइंट बनाते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो छोटे पैमाने पर भी आप इस बिजनेस को करते हैं तो 8 से 10,000 रुपये प्रति महीना हो सकता है। और दोस्तों अगर आप मशीन की सहायता से करते हैं और आपकी क्वान्टिटी अगर ज़्यादा होती है तो यह इसमें आपका मुनाफा दुगना हो सकता है। हाँ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यह पूरी तरह से आपके मार्केटिंग और आपके काम करने पर भी डिपेंड करता है, तब जाके यह मुनाफा हो पाता है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको अगर आप बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आपको ROC और ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और दोस्तों साथ ही आपको आपके बिजनेस का पैन कार्ड और आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट बनाना होता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपने फर्म को SSI में भी स्थापित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप ब्लैकबोर्ड चॉक की पैकेजिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इसकी पैकेजिंग करते समय यह एक नाजुक जो टूट जाने वाली चीज़ होने की वजह से इस पर अगर ज़्यादा बल पड़ता है तो यह टूट भी सकती है। इस वजह से आपको इसकी पैकेजिंग अच्छी करनी होती है। दोस्तों आपको पैकेजिंग करते समय ध्यान देना होता है कि चॉक जो है वो डब्बे में टूट ना जाए। दोस्तों और आपको इसके लिए एक डब्बा बनाना होता है जिसमें आप 100 चॉक एक डब्बे में रख सकते हैं। और दोस्तों आप उस डब्बे पर अपने ब्रांड का एक पोस्टर भी बनाकर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्रांड है, आपके जो बिजनेस का नाम है वो भी सामने मार्केट में बना रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यह ब्लैकबोर्ड चॉक की आप मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और स्टेशनरी, यह आपके 3 बड़े क्लाइंट, मेन क्लाइंट जिसे हम कह सकते हैं, इसे आपको ढूंढना होता है। दोस्तों अगर यदि आपके द्वारा बनाए गए चॉक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जिसे पसंद कर रहे हैं, तो आपके चॉक स्कूल, कॉलेज और जो शैक्षणिक संस्था जिसे हम इंस्टीट्यूट वगैरह कहते हैं, आप वहाँ पर भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। और क्वालिटी अच्छी रहने की वजह से आप कम समय में सेलिंग जल्दी चालू हो जाती है और कम समय में अधिक चॉक बिकना चालू हो जाता है। और दोस्तों आप इसको जब सेल करते हैं तो आप आपका जो ब्रांड है उसका लोगो आप इसके डब्बे पर पैकेट में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके चॉक का जो ब्रांड नेम है वो भी मार्केट में प्रचार होते रहता है। तो दोस्तों यह थी वीडियो ब्लैकबोर्ड चॉक के बिजनेस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में रोजाना लेके आते रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।